आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। दहशत गर्द विकास दुबे के खात्मे के साथ ही तमाम राज भी दफन हो गए। वह जिंदा रहता तो प्रदेश और देश के कई बड़े नेताओं यानी कि अलग अलग पार्टियों के नेता, अफसर, कारोबारी और नामचीन हस्तियां बेनकाब होती। इन्हीं लोगों की सरपरस्ती में विकास दुबे खूंखार अपराधी बना। हत्या के प्रयास, लूट समेत 100 से अधिक केस उस पर हुए। जेल जाता रहा, बेल मिलती रही। वर्ष 1990 में अपराध जगत में उतरने के साथ ही उसे सियासी सरपरस्ती मिलने लगी थी। डेढ़ दशक तक तो वो ग्राम प्रधान रहा। आज भी प्रधानी उसी के घर में ही है। उसने अपनी सियासी पारी की शुरुआत बसपा से की। करीब 15 साल तक बसपा से जुड़ा रहा। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य भी रहा। बसपा सुप्रीमो से लेकर पार्टी के कई बड़े नेताओं से उसका सीधा संपर्क रहा। इसके बाद समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में आ गया। भाजपा के दो विधायक उसके बेहद करीबी हैं। इस बात का खुलासा खुद उसने एक साक्षात्कार में किया था। पार्टी के एक सांसद भी उसके रुतबे के कायल रहे। चुनाव हो या किसी अन्य मामलों में समर्थन की जरूरत, तो ये सभी जनप्रतिनिधि विकास की चौखट जरूर पहुंचते। कुछ यही हाल समाजवादी पार्टी के नेताओं और जनप्रतिनिधियों का रहा है। विधायकों से लेकर प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारी तक विकास दुबे के करीबी रहे। विकास जो कहता था वो ये करते थे। पार्टी में फंड भी देता था। जिले के दो सपा विधायकों से भी उसकी नजदीकियां चर्चा में रही। सोशल मीडिया पर उनकी फोटो भी वायरल हो चुकी है। विकास राजनीति में सक्रिय रहा। पार्टी कोई भी हो, उसका मकसद राजनीति को अपने अपराधों की ढाल बनाना था। इलाके में दहशत कायम की, जिससे वोट बैंक बनाया और उसी बल पर पार्टियों से डील करता रहा। राजनीति से जुड़े पुराने लोग बताते हैं कि विकास बसपा सुप्रीमो मायावती से सीधे मिलता था। इससे उसकी हनक का अंदाजा लगाया जा सकता था। विकास ने अपने इलाके के 2 दर्जन गाँव में दहशत फैला रखी थी। वो जो कहता था ग्रामीण वही करते थे। ग्राम प्रधान कौन बनेगा ये भी वही तय करता था। जब विधायक और सांसद का चुनाव होता था तो जिसे वो समर्थन देता था, इन गांवों का वोट एकजुट उसी को जाता था। इसलिए उसके आगे नेता भी नतमस्तक रहते थे। लेकिन कई राज दफन हो गए। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज़।